मालूम होगा, जानकारी होगी, तो वह क्या रहेंगे? अनुशासित रहेंगे। भारतीय पाश्चात्य राजनीति ने न्याय की अवधारणा दी। हमारे भारत के कई राजनीतिक चिंतन विद्वानों ने न्याय के बारे में समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और पाश्चात्य यानी विदेशी जो भी विद्वान हैं उन्होंने भी समय समय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भारतीय विचारक मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज आदि ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्व को स्थान प्रदान किया है। देखो ये हमारे प्राचीन विचारक थे, राजनीतिक चिंतन थे जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वे न्याय को एक धर्म के रूप में मानते हैं। उनके हिसाब से जो धर्म है वो ही न्याय है। और धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है। और धर्म क्या है? न्याय है। यानी जैसे अभी मैं टीचर हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाऊँ। कोई सैनिक है तो उसका कर्तव्य क्या है कि वह जो सीमा पे हमारे देश की जो विदेशों से क्या करे, रक्षा करे। तो जो धर्म ही है उसको क्या बोला है? उन लोगों ने न्याय बोला है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में न्याय को प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन, इक्विनास, हॉब्स, कार्ल मार्क्स आदि ने परिभाषित किया। यानी पाश्चात्य जो विदेशी राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने भी समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। परंतु कई विद्वान हुए हैं विदेशी भी जिन्होंने राजनीतिक में न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। परंतु सबसे सर्वप्रथम जो न्याय की अवधारणा देने वाले कौन थे? प्लेटो थे। देखिए जो प्लेटो थे यूनान के रहने वाले थे और उनके जो हम कह सकते हैं कि गुरु थे वो थे सुकरात, जो कि एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे और उनके शिष्य थे प्लेटो। उन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। हमारे यहाँ हमारा जो लेसन है पॉलिटिकल साइंस में, इसमें प्लेटो और प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, उन दोनों के बारे की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है प्लेटो की अवधारणा। अब देखो प्लेटो के न्याय संबंधित विचार, जो प्लेटो है यूनानी राजनीतिज्ञ, ये न्याय को क्या कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो क्या कहता है कि न्याय क्या है? प्लेटो कहता है कि न्याय ये है कि आपका जो कर्तव्य है, आपका कर्तव्य क्या है? धर्म है। और जो आपका जो कर्तव्य है वो आप करें और दूसरे के कार्य में बिना फालतू या बिना किसी कार्य के हस्तक्षेप न करें, वो ही आपका। उन्होंने जो प्लेटो है उन्होंने क्या बताया? न्याय बताया है। अब प्लेटो की जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, प्लेटो की जो एक बुक है रिपब्लिक, है ना, ये कई बार जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछी जाती है और आपके करंट क्लास में तो मोस्ट है ही। तो इन्होंने बुक में उन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। देखिए जो प्लेटो है ये बताते हैं कि न्याय को दो रूपों में उन्होंने बांटा है, एक है व्यक्तिगत न्याय और एक है सामाजिक न्याय। अब देखो व्यक्तिगत न्याय क्या हो गया? व्यक्तिगत न्याय ये हो गया कि जो मैं हूं तो मैं अपने ऊपर वही कार्य करूँ जो मैं करने में सक्षम हूँ। जैसे अभी मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, यही कार्य कर सकती हूँ, तो मुझे यही कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं अब मुझे कोई कह रहे कि आप खेत में जाके कार्य करिए, अब मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो मेरा जो अपने प्रति न्याय होगा वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत न्याय। यानी जो अपने अपन अपने जितनी कैपेसिटी है, हम जिसके लिए कैपेबल है, वो ही कार्य इंसान को करना चाहिए। एक है सामाजिक न्याय, ये देखो मोस्ट है, मतलब समाज में जो लोग हैं उनके बीच में जो न्याय है उसके बारे में ये बात करता है। इसका हम विस्तृत अध्ययन देखते हैं इसके बाद। सामाजिक न्याय के लिए ये कहता है, प्लेटो कहते हैं कि इसने इस सामाजिक न्याय में समाज
वर्ग बोला है, ये क्या कर रहे हैं, समाज को चलाने का कार्य कर रहे हैं तीनों वर्ग। और जो सैनिक है वो हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे समाज की रक्षा कर रहे हैं, और जो उत्पादन का सहायक है वो क्या कर रहे हैं, हमारे समाज में उत्पादन कर रहे हैं ताकि हमारा जो व्यक्ति है वो कार्य कर सके। अगर किसान उत्पादन नहीं कर पाएगा तो क्या हम खाएंगे, नहीं खाएंगे तो हम चले नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार तीनों वर्ग मिलकर हमारे समाज को चलाने का कार्य कर रहे हैं। जो प्लेटो का सिद्धांत है ये है नैतिक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नैतिकता को आधार माना। यानी जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें, है ना, अपना अपना कार्य करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। अपना कार्य उन्होंने न्याय का, न्याय को क्या बोला था, धर्म, कर्तव्य को उन्होंने क्या बोला था, न्याय। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि ये तीनों वर्ग समाज में अपना अपना कार्य करे और किसी दूसरे वर्ग में बिना कारण हस्तक्षेप न करे, वो क्या होगा, न्याय होगा। इस प्रकार आज हमने प्लेटो की न्याय की अवधारणा